हेलो फ्रेंड्स, मीरास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटोज पिनव्हील्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ हमने 250 ग्राम आलू को मैश कर लिया है, 250 ग्राम मैदा, नमक स्वाद अनुसार, ऑयल, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून अजवाइन, यहाँ हमने अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया है, एक हरी मिर्च, यहाँ हमने मैदा और पानी से घोल तैयार कर लिया है, पानी, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। हमने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे करछी से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और उन्हें भी हल्का सा भून लेंगे ताकि मसाले हमारे पक जाएं। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे और इसे करछी से चलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं। हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम मैदे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमें हार्ड नहीं तैयार करना है, हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। अब हम आटे का एक बड़ा सा पोर्शन लेके उसको बॉल के शेप का बना के और फ्लैट कर लेंगे और फिर बेलेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हमें इन्हें पतला बेलना है। हम चारों कॉर्नर्स को काट के निकाल देंगे ताकि हमारा सरफेस चारों बगल से इक्वल हो। अब हम फिलिंग को चारों तरफ फैलाएंगे ताकि फिलिंग चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में फैल जाए। हमारी फिलिंग चारों बगल अच्छे से फैल चुकी है। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। हमें इसी तरीके से रोल करना है। हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इन्हें नाइफ से काटेंगे। हमें ज्यादा मोटा नहीं काटना है, हमें पतले पतले इन्हें काटने हैं। हमें पूरे रोल को इसी तरीके से काट लेना है। हम सबको हाथ पे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसका शेप खराब ना हो। हमारे पिनव्हील्स तैयार हो चुके हैं तलने के लिए। हमारा तेल भी फ्राई होने के लिए गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें तलते हैं। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे तलना है ताकि ये जले नहीं। इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इन्हें क्रश करके भी देख सकते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। अगर ये टूट जाते हैं, इट मीन्स ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमने पोटैटो पिनव्हील्स को सर्व कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।